हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैनाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ जलेबी। जलेबी हमारे यहाँ की पारंपरिक मिठाई है। पहले ज़माने में जब भी इतनी तरह की वैरायटीज़ मिठाई में नहीं होती थी तो ज़्यादातर मौक़ों पर लोग जलेबी और बूंदी इत्यादि बनाते थे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जलेबी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जलेबी बनाने के लिए जो सामग्री हमको चाहिए वो है मैदा, चीनी और रिफाइंड ऑयल। मैदा मैंने लिया है करीब 500 ग्राम और करीब करीब 750 ग्राम मैं चीनी लूँगी और उतना ही पानी उसमें ऐड करके चाशनी बनाऊँगी। और इसके अलावा रिफाइंड ऑयल में तलने के लिए यूज़ करूँगी। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो सबसे पहले ये जो मैदा मैंने लिया है इसको मैं अभी घोल देती हूँ। मैं इसको रात में ही घोल के रख रही हूँ क्योंकि इसमें मैं एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। ये एकदम हलवाई जैसी जलेबी बनेगी क्योंकि मैं इसमें सोडा या दही या कुछ भी इस तरह का यूज़ नहीं करूँगी। तो देखिए, इसको मैं सबसे पहले पानी की सहायता से धीरे धीरे घोल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसको मैं इस तरह से अच्छी तरह से मिलाऊंगी और कुछ देर इसको फेंटूंगी ताकि इसमें के लम्स ख़त्म हो जाएं और ये थोड़ा सा फिट जाए। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको कम से कम 5-10 मिनट फेंट लूँगी और रात भर ढक के फिर छोड़ दूँगी ताकि इसमें फर्मेंटेशन हो जाए। फ्रेंड्स, मैंने इसको करीब 10 मिनट फेंट लिया है और अब मैं इसको ढक के रख दे रही हूँ और सुबह मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करूँगी। अगर ये गाढ़ा हो गया होगा तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और थोड़ा सा फिर से फेंट लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, रात में मैंने जो ये मैदे का घोल बना के रखा था ये फर्मेंट हो गया है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, और अब ये तैयार हो गया है जलेबी बनने के लिए। तो अब मैं इसकी जलेबी बनाऊंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैंने गैस पे एक बर्तन चढ़ा दिया है और उसमें मैंने 4 कटोरी चीनी ली है। देखिए फ्रेंड्स, 4 कटोरी चीनी है करीब 750 ग्राम और मैं इसमें 4 कटोरी ही पानी भी डालूंगी। जिस कटोरी से मैंने चीनी का नाप लिया था उसी कटोरी से मैं पानी का भी नाप ले रही हूँ। और अब मैं इसको चीनी के मिक्स होने तक पहले गरम करूँगी। फ्रेंड्स, चीनी घुल गई है लेकिन देखिए इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा दूध जिससे सारी इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ जाएंगी और मैं उनको छान के निकाल दूंगी। फ्रेंड्स, देखिए इसमें कितनी इम्प्योरिटी है और अब मैं इसको छान के अच्छी तरह से इसको निकाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, चाशनी में उबाल आ रहा है। हमको बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, एक तार से थोड़ा सा कम ही चाशनी बनानी है, करीब करीब एक तार, लेकिन पूरी तरह से एक तार की चाशनी नहीं बनानी है क्योंकि घोल अगर गाढ़ा हो जाएगा तो ये जलेबियों के अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए इस चाशनी को हमको थोड़ा पतला ही रखना है। तो जब तक ये चाशनी हमारी हो रही है तब तक मैं दूसरी तरफ जलेबी की तैयारी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं चाशनी में थोड़ा सा केसर के स्ट्रैंड्स और थोड़ा इलायची को कूट के डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं जलेबी बनाने वाले बर्तन को गैस पे चढ़ा देती हूँ और मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। मेरे पास ये जलेबी बनाने वाला बर्तन है, आप चाहें तो कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल। और इसे गर्म होने देती हूँ और तब तक मैं जलेबी को डालने के लिए तैयारी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं इस दूध के पैकेट से जलेबी के घोल को तेल में डालूंगी। तो इसके लिए मैं इसमें पहले जलेबी का घोल भर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसको एक गिलास में एक कोने को घुसा दिया है। तो
तो अब मैं इसमें ये जो घोल बना है जलेबी का, तो इसको मैं इसमें भर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरह से भर लिया है और अब मैं इसको निकाल के और इसमें रबर बैंड लगा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं इस तरह से इसमें से निकाल लूंगी। ये देखिए, इसका कोना बन गया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से करके और इसमें मैं ये रबर बैंड लगा दूंगी। आप चाहें तो कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कपड़ा मार्केट में मिलता है, लेकिन घर में भी इस तरह से ये बना के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं डालते समय इसके मुंह को थोड़ा सा काट दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये चाशनी करीब करीब तैयार है, तो अब मैं इसको बंद कर दे रही हूँ, वरना ये थोड़ी कड़ी हो जाएगी तो जलेबी के अंदर नहीं जाएगी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इतनी जलेबी तेल में डाल दी है और अब मैं इनको पलट देती हूँ। देखिए, एक तरफ से थोड़ी थोड़ी लाल दिख रही हैं, तो मैं इनको पलट देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी जलेबी बनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है, पूरी तरह से रेड हो गया है, इसलिए अब मैं इसको चाशनी में डाल देती हूँ और इसको 1 मिनट में इसमें रहने दूंगी और फिर इसको निकाल लूंगी। बाकी जलेबियाँ भी लाल हो गई हैं, तो मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों को भी मैं इसमें डालते जा रही हूँ चाशनी में। इसी तरह से मैं सारी जलेबियों को निकाल के चाशनी में डाल दूंगी और इसको इस तरह से दबाते जाऊंगी ताकि चाशनी इनके अंदर चली जाए और 1 मिनट के बाद मैं इसको निकाल लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जलेबियां बनके तैयार हैं। जलेबियां बनके तैयार हैं, आप भी इन्हें बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि ये कैसी बनी हैं। अगर आपको ये पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।